हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का फिर से स्वागत है और एक नई ब्लॉग पे, क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं बारीपदा, जो कि पुरी के बाद अगर सबसे ज़्यादा भीड़ होता है हमारा उड़ीसा में रथ यात्रा में, वो होता है बारीपदा। क्योंकि पुरी में तो भीड़ होता है और बारीपदा में उसी के जैसा ही भीड़ होता है। मतलब इतना लोग आते हैं उधर, इतना भीड़ होता है, इसलिए हम लोग सोचे क्यों ना जाएं और आप लोग को दिखाएं। क्योंकि हमेशा से हम लोग का टारगेट एक रहता है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को कुछ नया दिखाएं, तो इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं दिखाने के लिए, आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलो बने रहो, और जाने के लिए हमेशा से मेरे को सपोर्ट करते हैं मेरा बासु भाई, क्योंकि मतलब देखो यूट्यूब में काम करना इतना आसान नहीं है और ब्लॉग बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना सोचते हैं कि मोबाइल पकड़ लिए चल दिए, ऐसा नहीं होता है। अकेला बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए हमेशा मुझे साथ देते हैं बासु, जो कि मेरा भाई, उसके लिए मैं उसको थैंक्स बोलता हूँ। और हम लोग अभी जाएंगे और इधर से करीबन 75 किलोमीटर हम लोग को बाइक पे जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग चलते हैं। तो बने रहो और देखो, ठीक है। हाय गाइस, तो फाइनली हम लोग आके पहुँच चुके हैं बारीपदा, जो कि रथ यात्रा यहाँ पर होने वाला है, शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा है, तो चलो हम मेरे साथ बने रहो और देखो यहाँ का रथ यात्रा, जो कि वेस्ट बंगाल झारखंड से भी लोग आते हैं इधर, और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट पे ये होता है बहुत बड़ा। यहाँ पर पुरी के बाद सेकंड दिन इधर होता है, पुरी कल हो गया, आज इधर होता है। तो इस तरह से आज बहुत बड़ा यहाँ पर रथ यात्रा होने वाला है, तो चलो बने रहो और देखो। Thank you.
बहुत ही भीड़ है इधर। दोस्तों इधर बहुत ही भीड़ है और मैं ऊंचाई में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी रथ जा रहा है, तो बने रहो और देखो। दयाकोरी भक्त मंडल को निवेदन करुच्छी बापट दौड़ी संपूर्ण भाव में छाड़ दिखा आगे भक्त मान धर बापट दौड़ी दयाको छाड़ दिखा छाड़ू आज्ञा छाड़ु आरक्षी बंधु मान को निवेदन करुच्छी दयाको दौड़ी को टे छाड़ सहायता प्रदान कर देखु बाहपट करण दौड़ी आगे डाक दिखा करण दौड़ी आगे डाकतु बाहपट को पूरा बाहपट जीव सीधा कर दौड़ी सीधा कर बाहपट दौड़ी सीधा करण बाहर जीवा आसवा करतु ना दोस्तों देख लो कितना भीड़ है इधर। मैं आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, इधर देख लो कितना लोग पब्लिक आए हुए हैं देखने के लिए रथ यात्रा। Thank you.
देख लो रथ जाने के बाद भी इतना भीड़ है, बहुत ही भीड़ है इधर। इसको सेकंड पूरी कहा जाता है क्योंकि रथ यात्रा में पूरी के बाद सेकंड दिन इधर होता है। इधर बहुत जगह से लोग आते हैं और बहुत ही भीड़ होता है, पब्लिक बहुत जमा होता है इधर। यहाँ बहुत ही भीड़ है और पब्लिक बहुत है जो कि यहाँ घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं रथ यात्रा में। Thank you.
बहुत ही भीड़ है और यहाँ आने का मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि इतना पब्लिक, बहुत पब्लिक है। आप बिलीव नहीं कर सकोगे इतना पब्लिक आया है, क्योंकि इसे सेकंड पूरी कहा जाता है और यहाँ पर बहुत ही पब्लिक, आप जहाँ देखोगे उधर पब्लिक है। तो आप लोग देख सकते हो जितना भीड़ है यहाँ पर, और आप लोग उधर जो भी आता है उसे बहुत अच्छा लगता है इधर आके। तो बने रहो और देखो, Hey!
यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गर्मी है, इसलिए पानी स्प्रे कर रहे हैं ताकि लोगों के ऊपर पानी पड़े। तो देख सकते हो कमेटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और देखो, क्योंकि आगे और भी मजा आने वाला है, तो बने रहो। तो चलो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो Thank you.
दोस्तों पहला जो रथ किया था दोस्तों पहले जो रथ ताना गया था वो बलभद्र का था, अभी सुभद्रा का रथ टालने वाले हैं। तो ये देखो सामने सुभद्रा और उसके पीछे हैं जगन्नाथ, जो कि कल टाना जाएगा रथ, आज सुभद्रा का टाना जा रहा है और बलभद्र का ऑलरेडी हो चुका है, अभी सुभद्रा का रथ टाना जाएगा। तो बने रहो और देखो आगे और भी इंटरेस्टिंग कुछ मैं दिखाने वाला हूँ, आप लोग से शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहो और देखो। Thank you.
Thank you.
आज आए थे, बेहतरीन टाइम इधर स्पेंड हुआ और बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया बहुत ही, क्योंकि इतने लोग थे इधर और कल भी है इधर, तो कोशिश करूंगा कल आप लोग को दिखाने के लिए, कल आके आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि इधर से जाना आना बहुत तकलीफ होता है और ऑलरेडी भीग चुका हूँ क्योंकि पानी मार रहे थे। अभी इधर से निकलना है मुझे, लगभग 80 किलोमीटर जाना है, तो इसीलिए अभी इधर से निकलेंगे। अभी 6:20 हो गया है और इधर से बाइक जिधर रखे हैं स्टैंड पे जाने के लिए करीबन 15-20 मिनट जाएगा, तो इसलिए चलते हैं। अगर कोशिश करता हूँ तबीयत सही रहा, क्योंकि ऑलरेडी गला बैठ गया है मेरा पानी में भीग भीग के, तो कोशिश करूँगा कल आके शूट करने के लिए आप लोग को दिखाने के लिए। तो जो भी नए हो मेरे चैनल पे जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करो, और हमेशा मेरे चैनल में मैं कुछ नया दिखाऊंगा, तो बने रहो, ठीक है? तो चलता हूँ, बाय दोस्तों। अभी जो टाइम बहुत ही मस्त हो रहा है, क्योंकि आरती का टाइम होने वाला है और माँ सुभद्रा का आरती का टाइम हो रहा है और इधर बहुत ही भीड़ होने वाला है।